सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है। आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता। उसके जीवन में, जीवन को लेकर उसके नजरिए में भरपूर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और जीवंतता प्रतिपल नजर आती है। साथियों, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया के साथी, ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है, मन की बात में भी मैंने उसका जिक्र किया। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडु के सी मोहन। सी मोहन जी मदुरई में एक सैलून चलाते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन इन्होंने ये पूरी राशि इस समय जरूरतमंदों, गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी। इसी तरह अगरतला में ठेला चलाकर जीवन यापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोजमर्रा की कमाई की बचत में से हर रोज दाल चावल खरीदकर जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। पंजाब के पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला। यहाँ दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से 3000 से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे। भाई राजू ने इस मुश्किल समय में करीब 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया। देश के सभी इलाकों से विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के परिश्रम की भी अनगिनत कहानियां इन दिनों हमारे सामने आ रही है। गांवों में, छोटे कस्बों में हमारी बहनें, बेटियां हर दिन हजारों की संख्या में मास्क बना रही हैं। तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में इनका सहयोग कर रही हैं। साथियों, ऐसे कितने ही उदाहरण हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो ऐप और अन्य माध्यमों के जरिए अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं। कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत सी संस्थाओं का नाम नहीं ले पाता हूँ। सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रशंसा करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन। तमाम देशवासी गांवों से लेकर शहरों तक, हमारे छोटे व्यापारियों से लेकर स्टार्टअप तक, हमारी लैब्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे नासिक के राजेंद्र यादव का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। राजेंद्र जी नासिक में सतना गांव के किसान हैं। अपने गांव को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रैक्टर से जोड़कर एक सैनिटाइजेशन मशीन बना ली है और ये इनोवेटिव मशीन बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है। इसी तरह मैं सोशल मीडिया में कई तस्वीरें देख रहा हूँ। कई दुकानदारों ने 2 गज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा लिए हैं, जिसमें एक छोर से वो ऊपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्राहक अपना सामान ले लेते हैं। इस दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई अलग अलग इनोवेशन शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस, उसको भी अलग अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन पर हमारी लैब्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सबकी आशा भी। किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है। हजारों सालों की मानव जाति की यात्रा लगातार
इनोवेशन से ही इतने आधुनिक दौर में पहुंची है। इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी ये विशेष इनोवेशंस भी बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका कोई पहले का अनुभव भी नहीं है, तो ऐसे में नई नई चुनौतियां और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव भी कर रहे हैं। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में ना हो, परेशानी में ना हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही है। लाखों श्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना, उनके खाने पीने की चिंता करना, हर जिले में क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना, सभी की टेस्टिंग, चेकअप, उपचार की व्यवस्था करना, ये सब काम लगातार चल रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। लेकिन साथियों, जो दृश्य आज हम देख रहे हैं, इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविष्य के लिए सीखने का अवसर भी मिला। आज हमारे श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं। जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, जिसके श्रमिकों के बाहुबल में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य है, उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है। पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया, तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, कहीं स्टार्टअप्स इस काम में जुटे हैं, कहीं माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे भी गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली है। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए है, आत्मनिर्भर भारत के लिए है। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है। लेकिन अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना मानव स्वभाव है। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। बिहार के हमारे एक साथी
श्रीमान हिमांशु ने मुझे नमो ऐप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे, चाहे पेट्रोल डीजल ईंधन का आयात हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ। हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजें बाहर से आती हैं जिन पर हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका विकल्प हम आसानी से भारत में तैयार कर सकते हैं। असम के सुदीप ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाए हुए लोकल बैम्बू प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं और उन्होंने तय किया है कि आने वाले 2 वर्ष में वे अपने बैम्बू प्रोडक्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दशक में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन मैं एक सीक्रेट जरूर आज बताना चाहूंगा। विश्व के अनेक नेताओं की जब बातचीत होती है तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है। कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुर्वेद कैसे मदद कर सकते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा, उसे अपनाना चाहा। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम हैं जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है जिसका अपना अलग महत्व है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित हों, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार है जिसके अनेक लाभ भी हैं। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हैं वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए। साथियों, हमारे देश में करोड़ों करोड़ गरीब दशकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं, अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा, अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीफ को समझते हुए, इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब 1.5 साल पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब देश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है? 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब नॉर्वे जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश,
उसकी जो टोटल जनसंख्या है उससे दो गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते, इनका मुफ्त इलाज नहीं हुआ होता तो उन्हें एक मोटा मोटा अंदाज है करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं। मैं आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को भी बधाई देता हूँ।